नमस्कार दोस्तों, अगर आपका लैपटॉप और कंप्यूटर हैंग होके चल रहा है, यानी कि धीरे धीरे चल रहा है, स्लो स्लो खुल रहा है, स्लो स्लो ओपन हो रहा है, तो आप उसको फास्ट करना चाहते हो, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसे तरीके बताने वाला हूँ, उन तीन तरीकों का उपयोग करके आप अपने किसी भी पुराने लैपटॉप या पुराने कंप्यूटर को बिल्कुल रॉकेट की तरह फास्ट चला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं वो तीन तरीके कौन से हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अपने कीबोर्ड का इस्तेमाल करना है, जिसमें आपको विंडो बटन और आर बटन को एक साथ प्रेस करना है। देखिए दोस्तों, विंडो प्लस आर, ठीक है दोस्तों। जैसे ये बटन प्रेस करोगे तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब आपको यहाँ पे टाइप करना है, देखिए दोस्तों, TEMP, ठीक है दोस्तों, ये टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखिए दोस्तों, आपके सामने ये फाइल ओपन हो जाएगी, यानी कि ये टेम्प का जो फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा। अब आपको इन सभी को कंट्रोल प्लस ए करके सभी को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपको इनको पूरों को डिलीट कर देना है, ठीक है दोस्तों। देखिए डिलीट बटन पे क्लिक करना है और आप इनको सभी को डिलीट कर दीजिए। दोस्तों अगर आपकी यहाँ पर एक दो फाइलें बगैर डिलीट हुए रह जाती है तो आपको घबराना नहीं है, आपको इनको छोड़ देना है और इस फोल्डर को क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद दोस्तों आप दोबारा से फिर आपको विंडो प्लस आर बटन को प्रेस करना है, ठीक है दोस्तों, अपने कीबोर्ड में से। अब आपको टैंप के आगे और पीछे परसेंटेज लगा देना है, ठीक है दोस्तों। देखिए ये परसेंटेज, और उसके बाद आपको फिर टैंप लिखना है, फिर परसेंटेज लगा देना है और इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों ये टैंप परसेंटेज वाला हमारा फोल्डर ओपन हो गया है। अब इन सभी फाइलों को आपको कंट्रोल ए करना है और आपको इनको भी डिलीट कर देना है। सभी फाइलों को सिलेक्ट करने के बाद आपको इनको डिलीट कर देना है। डिलीट होने के बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पर भी कोई एक दो फाइलें बच जाती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक दो फाइलें बचेगी तो उनको आपको पड़े रहने देना है और आपको इस फोल्डर को भी क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद दोस्तों अब आपको दोबारा से फिर अपने कीबोर्ड से फिर प्रेस करना है विंडो का बटन और आर बटन एक साथ। इसको प्रेस करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर टाइप करना है PREFETCH, ठीक है दोस्तों। ये टाइप करने के बाद अब आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर ये कंटिन्यू आपकी परमिशन मांगेगा, जो एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन है वो आपको यहाँ पर देनी होगी, और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। जैसे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर जितनी फाइलें हैं इनको कंट्रोल ए करके सेलेक्ट करना है और इन सभी फाइलों को यहाँ से डिलीट कर देना है, ठीक है दोस्तों। जैसे इनको डिलीट करोगे ये सारी फाइलें यहाँ से डिलीट हो जाएगी। कोई एक आध फाइल बचती है तो आपको घबराना नहीं है, इसको आपको पूरी तरह से बंद कर देना है, काट देना है। काटने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, अब इतना काम होने के बाद दोस्तों आपके अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की डेस्कटॉप पे आना है और वहाँ पे आपको एक फोल्डर दिखाई देगा, रिसाइकल बिन, ठीक है दोस्तों, रिसाइकल बिन। आपको इसको ओपन करना है। ओपन करना है दोस्तों, अब इन सभी यहाँ पे जितनी फाइलें हैं इनको कंट्रोल ए करके सेलेक्ट करना है और इन सभी फाइलों को भी यहाँ से डिलीट कर देना है, ठीक है दोस्तों। ये 323 फाइलें हैं, अब इन सभी फाइलों को आपको यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद दोस्तों अब आपको अपने जो कंप्यूटर है या लैपटॉप आपका, आपको उसको रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट होने के बाद जैसे ही आपका कंप्यूटर या लैपटॉप चलेगा तो वो बिल्कुल रॉकेट की तरह काम करेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने स्लो लैपटॉप या कंप्यूटर को बिल्कुल फास्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।